हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ के सिलेबस का विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, किस बुक्स में कितने पार्ट हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को एट्थ के बाद पता नहीं चलता, वो बुक ही नहीं समझ पाते हैं कि क्लास नाइन्थ में किस तरह से बुक है। इसलिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्लास नाइन्थ CBSE बोर्ड। पहले पार्ट में जो होती है हिंदी होती है। हिंदी जो होती है वो थ्री पार्ट में डिवाइड है क्लास नाइन्थ में, जिसका पहला नाम है क्या, कृतिका, दूसरा क्षितिज चलती है, तीसरा व्याकरण चलता है। ये तीनों बुक्स हिंदी को परफेक्ट हिंदी बनाती हैं। उस तरह इंग्लिश जो होती है इसमें ये मूवमेंट है, बिहाइव है। इसके अलावा CBSE बोर्ड में स्कूलों के द्वारा कोई अन्य किताबें भी चलाई जा सकती हैं, लेकिन मैथ जो होता है ये NCERT होता है, NCERT, इसको इसमें केवल एक ही पार्ट होता है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फोर्थ जो अब पार्ट आता है वो आता है साइंस का। साइंस भी थ्री पार्ट से मिलकर बनती है। वो थ्री पार्ट्स में पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। फिफ्थ सब्जेक्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट जो होता है सोशल साइंस। एट्थ तक सोशल साइंस एक ही बुक में होती थी, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी उसमें होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी। अब हम लोग अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, अपने क्लास में जो हमारे चैनल है इसमें हम मैथ पढ़ाएंगे और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तीन पार्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त करेंगे, वो भी पूरे फुल कॉन्सेप्ट एंड डिटेल्स के साथ। इस तरह से आप लोगों का ये वीडियो हम कई पार्ट में बताएंगे। जैसे देखिए, अब नाइन्थ और टेंथ के बाद इलेवेंथ में हम लोग को किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जिसको मैथ साइड से पढ़ना है वो मैथ पे ध्यान देगा, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री, और हिंदी और इंग्लिश क्या होगी, ये कॉमन होगी। दूसरा ग्रुप साइंस साइड में ये होता है बायो ग्रुप, जिसमें क्या होता है बायोलॉजी रहती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोग को ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है। जिसको मैथ चाहिए वो मैथ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करे, जिसको बायोलॉजी पढ़ना है वो बायोलॉजी कंसंट्रेशन करे। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज जो होता है सेम होता है। आर्ट साइंस वाले किससे पढ़ते हैं, सोशल साइंस से पढ़ते हैं, और कॉमर्स वाले क्या होता है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, उसमें अकाउंटेंसी आ जाती है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से करेंगे। और अभी हम लोग अपने क्लासेस में मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री थ्री पार्ट्स पे हम लोग पूरा नोट्स बनाएंगे और उसके साथ अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे की जो वीडियो होंगी, यानी इस सभी टॉपिक से रिलेटेड मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री, इससे आपका जो नोट्स होगा यानी नोट्स का PDF होगा वो हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध होगा। आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना होगा, लेकिन अभी नहीं, यह सारी किताबें वीडियो कल से जारी हो जाएंगी। अभी तक मैंने आपको बताया, देखिए हिंदी है कृतिका और क्षितिज, इसके बाद इंग्लिश है मूवमेंट और बिहाइव, इसके बाद आएगी आपकी मैथमेटिक्स, इसके बाद आएगी आपकी फिजिक्स जो कि साइंस है, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, और लास्ट है ये इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, पॉलिटी।